फ्लैट नंबर 704, ये वही फ्लैट है जिसमें मनोज साने और सरस्वती वैद रहते थे। मनोज साने और सरस्वती पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इसी फ्लैट में कल ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। मनोज साने ने बेरहमी से सरस्वती की हत्या की और उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसे कटर से कई बार काटा और साथ में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि प्रेशर कुकर में मनोज साने ने इसी घर में उस शव के जो टुकड़े हैं उसे बॉयल किया और फिर उसे पीसा और फिर उसे बाहर फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। ये वही घर है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सील नहीं किया गया है दरवाजे को और नीचे आप ग्लव्स और कोविड के जो टेस्टिंग है और साथ में मास्क है उसके आप रैपर्स देख सकते हैं। जिस तरीके से जब कल शाम को 6:30-7 बजे के करीब आसपास के जो फ्लैट्स हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे सभी पड़ोसियों ने बदबू कई आ रही है ऐसी कंप्लेन की, ऐसी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस यहाँ पे आई। नया नगर पुलिस स्टेशन के कई सारे अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो पूरा घर खून से लथपथ था, साथ में शव के कई टुकड़े भी उन्हें बरामद हुए। हालांकि जो मनोज है फिलहाल घर पे उस वक्त नहीं थे लेकिन उनका आसपास में ही उनका ठिकाना था, ऐसे पता चलने पर उन्होंने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया और अब गिरफ्तार कर लिया है। इसी फ्लैट में जब उन्हें अड़ोस पड़ोसी जो है उन्हें जब बदबू आई, उसके बाद जब यहाँ पे पुलिस वाले आए तो जिस तरीके से शव के टुकड़े मिले थे, जिस तरीके से इस घर में पूरे सबूत मिले, इसी कारण से पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव्स के कई सारे रैपर्स पड़े हैं। बेहद बड़ी टीम आई थी और उन्होंने जब ये पूरा दृश्य देखा तो उनके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं सभी चौंक गए। उनके बारे में ये अभी तक पता चला है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आरोपी यानी कि मनोज ने अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उन्हें शक था, मनोज को शक था कि सरस्वती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बाद इस झगड़े में कुछ दिनों से चल रहे मारपीट में सरस्वती ने आत्महत्या कर ली, जहर पी लिया। लेकिन इस आत्महत्या का ब्लेम जो है मनोज पर ना आए इसलिए मनोज ने शव को ठिकाने लगाने का इरादा किया, शव को ठिकाने लगाकर निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए जिस तरीके कि जो उन्होंने तरीका सोचा है वो बहुत ही दिल दहलाने वाला है, जहाँ पे कटर का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया और वहीं पे थैलियों में भर भर के वो गटर में फेंकते भी नजर आए। सीसीटीवी कैमरा में भी कई सारे फुटेजेस आ चुके हैं। इस बीच पुलिस के तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि धारा 302 और 201 के तहत मनोज साने के खिलाफ कंप्लेन जो है दर्ज की गई है, हत्या का मामला दर्ज हो गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच फिलहाल चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो नया नगर पुलिस थाने है मीरा रोड का वो पूरी जो स्पष्टीकरण है देंगे। लेकिन 704 फ्लैट नंबर 704 इसी फ्लैट में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।